हम सबके जीवन में सद्बुद्धि आए, सद्प्रेरणा मिले हम सबको जीवन में। हम सब लोग निरंतर आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, ईश्वर से ये कामना करते हैं। नववर्ष पे यज्ञ करके हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति का ये आधार है, हम सब लोग इन भावनाओं के साथ इस यज्ञ को करेंगे। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। हम लोग मनाते हैं और साथ में और हम सब लोगों के
खास करके जो दिए हुए कार्य रखते हैं उनके लिए आज आर्य समाज का स्थापना दिवस है। इस संवत्सर कन्या दिन में अभी तो संवत्सर आज से जो शुरू हुआ है इसका नाम संवत्सर का शब्द नाम होता है, ये संवत्सर 2021-22 इस तरह से नाम होता है, किसी का 20 होता है किसी का 21 बार वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। इस संवत्सर का नाम है राक्षस संवत्सर, राक्षस नाम तो थोड़ा सा देश के लिए कुछ करना चाहिए। शुभ करेंगे ना तो हमारा शुभ ही शुभ होगा, कभी अशुभ हो ही ना। राक्षस भी अच्छा भी होता है, राक्षस अच्छा भी होता है। हाँ, वो नाम मैडम नामकरण किया गया, ये शिक्षक का ये नाम है, ये शिक्षक ये नाम है, ये ग्रेड है, उसे ये सब कुछ नहीं है। मैं भी कहाँ से जानती हूँ, राम और रावण दोनों एक ही नक्षत्र में जन्म लिए, लेकिन कर्म से ही महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, ठीक है ना। महर्षि दयानंद एक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने आप अगर आप पूरा विचार करेंगे उनके दर्शन पे तो आपको लगेगा कि वो पूरा हट के चल रहे हैं, ठीक है ना। जो परंपरा है उससे पूरा हट हट के चलते हुए आपको दिखते हैं, और उनका एक मकसद था और वो मकसद वहाँ पर लिखा हुआ था, उस दिन मैंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और वेद हमारी संस्कृति का मूल आधार है, और वेद हमें यही कहता है जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो यदि करें, जीवन में यदि सुख चाहते हैं तो सेवा करें, जीवन में यदि सुख चाहते हैं तो परोपकार करें, और वो चाहे जितने जीवन में चाहे वो अशुभ अशुभ जो भी आते हैं हमारे जीवन में वो सारे आपको शुभ दिखेंगे अगर आप अपने जीवन में अच्छे चीजों को लेकर के चलेंगे। जीवन है तो परेशानियां तो रहेंगी, जीवन है तो परेशानियां रहेंगी, दुख भी रहेगा, कष्ट भी रहेगा सब, लेकिन जब हम इन सब चीजों से अच्छी चीजों से जुड़ के रहते हैं तो बराबर की शक्ति आपके पास आती है। जो जो कष्ट और दुख है वो बहुत छोटा छोटा सा दिखता है आपको, मर्जी आपको कह सकते हैं आपके पास में कि क्या फायदा है कि हम इस पर खत्म करें, क्या फायदा है कि हम आस्तिक करें, और क्या ऐसा है कि नास्तिक करें। उन्होंने कहा कि आस्तिक और नास्तिक का एक ही फर्क यह है कि आस्तिक व्यक्ति के जीवन में पहाड़ जैसा भी दुख आ जाए ना तो राई सा समझता है, और नास्तिक के जीवन में राई सा भी आ जाए तो उसे पहाड़ बना लेता है। तो ये सोच है सकारात्मक भाव का, ईश्वर भक्ति का मतलब सकारात्मक, ईश्वर को मानना मतलब सकारात्मक तरीके से जीवन को जीना, यही हमें यज्ञ भी सिखाता है। आइए अब सब लोग हम लोग यज्ञ करेंगे, और आचमन सर्वप्रथम आचमन दाहिने हाथ पे थोड़ा सा जल लेकर के आचमन करेंगे, मंत्र पाठ आप सब लोग आपके पास पुस्तक जहाँ है वो सब लोग करेंगे, और आचमन की प्रक्रिया राइट हैंड में सबसे पहले जल लेकर के राइट हैंड पे रख करके आचमन करना, थोड़ा सा जल लेकर के अंजलि में बीच में रख करके और आचमन करना, मंत्र पाठ करके पिए, आचमन मीन्स जल को पीना। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तीन बार ऐसा करना है। और एक और बात निवेदन करेंगे कि सर पे पानी को पीने के बाद देना चाहिए कि नहीं, नहीं देना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, जहाँ सहजता से जल मिल जाए वहाँ पर पिए, बाकी हम सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा जल लेकर के हाथ को धो लेंगे साइड में, हाथ को थोड़ा सा धो लिया जाएगा। अब बाएं हाथ में थोड़ा सा जल, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल, बाएं हाथ में थोड़ा सा जल, किसी में भी कभी माथा पे नहीं लगाना है, और बाएं हाथ में थोड़ा सा जल दाहिने हाथ के बीच में जो अंगुली जल के ऐसे स्पर्श करेंगे, और पहले दाहिने ओर फिर बाएं ओर अंग स्पर्श करेंगे मंत्र पाठ के साथ ऐसे। Yes, sir.
अथ ईश्वर स्तुति आप बैठना चाहते हैं बात जान सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी आता है सारे दुर्गुण दुर्दशनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए Thank you.
ओम उद्बुद्ध स्वामी प्रति जागृहि त्वमिषा पूर्ते संशीलनायं च अस्मिन् सदस्ये अस्युकरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानशीलता स्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्विब्रह्म वर्चसे ज्ञानादेन समेतया वर्चसे नानादेन समेधया स्वाहा ॐ अयन्त इमात्मा वर्धस्व चास्मान्तजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे स्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे ज्ञानादेन समेधया स्वाहा अयन्त इन्महात्मा जात वेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे ज्ञानादेन समेधया स्वाहा जल लेकर के पूरब दिशा में वो लोटा वाला और मिट्टी वाला जो है आगे ॐ देवा सवितः सुवाय च मन्ये
सामग्री को हम कैसे डालें, पांच उंगली लगाएं या तीन लगाएं, क्या करें? एकदम थोड़ी सी। और अगर पांच लगा ले तो पाप या पुण्य? ये तीन उंगली इसलिए कि इतना बढ़िया विधान है, इसमें आप कितना भी जोर लगाइएगा सामग्री ज्यादा नहीं उठेगी, अग्नि बुझेगी नहीं और यज्ञ बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और पांच उंगली अगर स्वतंत्रता देंगे तो कोई ऐसे भी उठाएगा, कोई ऐसे भी उठा के डाल, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो ज्यादा करेगा उसको पुण्य ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ये तीनों से उठाते हैं ना, वेद में मंत्र है उसमें कि एक आंवले का प्रमाण है, एक आंवला जितना छोटा होता है ना, ये तीनों उंगली से उठाने को बोलता है वेद के मंत्र में, इसीलिए इसी से देने का कम हुआ। ऐसे करेंगे आप तीन दिन से, अभी करेंगे तो आराम से यज्ञ चलेगा। एक आंवले पर डाल लेंगे, चलिए सही जगह पर है। ओम सजो देवेन सवित्रा सजो रुषसेन्द्र वत्याजुषार अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वाये प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय नमः। तया मा